स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये तो गिनीज बुक के अकॉर्डिंग वाइन प्रोडक्शन का पहला एविडेंस जॉर्जिया में 6000 बीसी में मिलना बताया जाता है, पर अल्कोहल प्रोडक्शन एंड इसके कंजम्पशन के एविडेंस दुनिया के लगभग सभी एंशियंट सिविलाइजेशंस में मिलते हैं, फिर भले ही वो ईरान हो, चाइना हो, बेबीलोन, हड़प्पा या फिर एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो। सभी ने अपनी अपनी तरह से किसी न किसी रूप में लिकर का उत्पादन और उसका उपभोग यानी कंजम्पशन किया है। वैसे तो लिकर के प्रोडक्शन की शुरुआत एक पर्सनल डेलिकेसी के तौर पे ही हुई थी, पर आज ये वर्ल्ड की एक लीडिंग मल्टी जिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल लेवल पे अल्कोहलिक बेवरेजेस के मार्केट ने 2021 में 1516.5 बिलियन यूएस डॉलर का वैल्यूएशन रीच कर लिया और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 2027 तक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी सीएजीआर ऑफ 2.7% के साथ 1756.3 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी हमारे पड़ोसी देश की है? क्विचाओ मोटाई नाम की ये कंपनी एक चाइनीज कंपनी है जिसका 2021 में मार्केट कैप 385 बिलियन यूएस डॉलर था। इसके अलावा अगर हम वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटल से हटकर नेट कंजम्पशन की बात करें तो WHO की रिपोर्ट ऑन सब्सटेंस अब्यूज कंट्री वाइज प्रोफाइल से हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड में 15 प्लस ईयर्स एज की पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के लिकर्स का एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन 6.9 लीटर पर ईयर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2020 में इसका नेट पर कैपिटा कंजम्पशन 5.7 लीटर पर ईयर था, जो रशिया और फ्रांस जैसे देशों का ऑलमोस्ट आधा था और यूएसए के 8.7 लीटर के आंकड़े से भी काफी कम। लेकिन इसके बावजूद आज इंडिया में पूरे विश्व की तरह लिकर इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ हासिल कर रही है। दोस्तों, आज लिकर इंडस्ट्री की ग्रोथ देश विदेश में इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज लिकर स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स का फेवरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर कहने लगे हैं। और आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम लिकर इंडस्ट्री से जुड़े इन्हीं चेंजेस को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का मकसद आपको दुनिया भर में तेजी से ग्रो करते लिकर इंडस्ट्री से अवगत कराना है। इसके अलावा हम बढ़ते हुए लिकर यूजेज के कारण जन्म लेने वाले अनेक इश्यूज पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो UPSC GS1 के सोसाइटी सेक्शन में और उसके अलावा GS3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ एनवायरमेंट सेक्शन में और GS4 के एथिक्स सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और वो ये कि कुछ वक्त पहले ही स्टडी IQ ने अपना लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था फॉर UPSC प्री प्लस मेंस, और उस बैच में आपका शानदार रिस्पांस रहा। सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और उस बैच की सीट्स फुल हो चुकी हैं और उसमें जैसा आपने रिस्पांस दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना बैच 2 में आप देर ना की जाए और बैच 2 को भी लॉन्च कर दिया जाए। और इसीलिए 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से सेकेंड बैच की स्टार्टिंग हो रही है, UPSC फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस के लिए। फीचर्स प्रीटी मच सेम है, 900 घंटे से ऊपर का लाइव कोर्स है, प्री के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, करंट की पुरजोर तैयारी के लिए हमारा कैप प्रोग्राम है विच इज करंट अफेयर्स प्रोग्राम। साथ ही साथ इस बैच की सबसे शानदार हाईलाइट है 1-to-1 मेंटरशिप। तो दोस्तों, अगर आपको आज से पहले कभी भी लगता था UPSC की तैयारी अफोर्डेबल प्राइसेस में संभव है ही नहीं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में आपको अलग अलग तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो शायद अब आपकी सोच में बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। स्टडी IQ इस देश के सबसे अफोर्डेबल बैच, सबसे अफोर्डेबल कोर्स के साथ आ चुका है। द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज योर एफर्ट एंड इज योर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो स्टडी IQ आपके साथ है। इस बैच से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पिंड कमेंट्स में मिल जाएंगी। अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हो तो आप 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ इस बैच में सब्सक्राइब कर पाओगे। तो दोस्तों, अब आप भी इस देश के सभी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे दोस्तों, हमारे देश में लिकर के कंजम्पशन का चलन बहुत पुराना है। अब आप पूछेंगे कितना पुराना, तो मैं आपको बता दूं कि ये लास्टिंग रिलेशनशिप कम से कम 4000 साल पहले से चला आ रहा है। भारत में इसके सबसे पुराने एविडेंस 3000 BC से लेकर 1800 BC के बीच फलने फूलने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं, जिसकी अलग अलग साइट्स पे हुए एक्सकेवेशंस के दौरान क्ले से बने ऐसे बहुत से डिस्टिलर्स के कंप्लीट सेट्स मिले हैं जिनका उपयोग लिकर डिस्टिलेशन के लिए होता था। यहाँ तक कि लिकर का उल्लेख हमारे वेदों में भी है, जिसमें इसे सोम या सूरा कहा गया है। ऋग्वेद में तो ये भी उल्लिखित है कि किन गॉड्स को लिकर का भोग चढ़ाना चाहिए। हालांकि ऋग्वेद में लिकर या सोमा के कंजम्पशन का एक एक्सेप्शन भी मिलता है, और वो है कि इसका कंजम्पशन ब्राह्मण्स एंड स्टूडेंट्स के लिए अधर्म माना गया है।
सिमिलरली लेटर वेदास और अरंक्याज में सूरा के दुष्परिणामों का भी उल्लेख मिलता है और उसका कंजम्पशन फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन तक ही सीमित रखने की सलाह दी गई है। यही नहीं, वाल्मीकि जी की रामायण में चार तरह की, जबकि कौटिल्य द्वारा 4th सेंचुरी में लिखे गए अर्थशास्त्र में 12 तरह के मद्य या लिकर डिस्कस किए गए हैं। तमिलियन कल्चर के प्राइम हिस्टोरिक सोर्स संगम लिटरेचर में भी पिजी, अरियल, नरावू और मट्टू नाम की पाम एंड कोकोनट ट्री से तैयार की जाने वाली लिकर्स के बारे में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर इस्लाम में यूं तो लिकर कंजम्पशन को हराम माना गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत पीरियड और मुगल हिस्ट्री में, खास तौर से जहांगीर के रूल के दौरान, शराब का डिस्टिलेशन एंड कंजम्पशन काफी पॉपुलर था। यहां तक कि इंडिया के आदिवासियों और ट्राइबल कम्युनिटीज में भी अल्कोहल ब्रूइंग की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जो आज भी ऑनगोइंग है। असम के ट्राइबल्स एक खास तरह की बियर बनाते हैं जिसे लाओ पानी कहा जाता है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया के आदिवासी महुआ के फ्लावर्स, राइस एंड बार्ले से एक बहुत ही पोटेंट लिकर बनाते हैं, जिसके लिए GI टैग की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है। लेकिन GI टैग की इस दौड़ में बाजी मारी है असम और नागालैंड की दिमसा ट्राइबल्स द्वारा राइस से बनाई जाने वाली ट्रेडिशनल जुडिमा वाइन ने, जो नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट बेवरेज है जिसे 2021 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिया गया। बट पॉइंट टू रिमेंबर इज, गोवा में कैश्यू या काजू से बनने वाली फैनी वो पहली लिकर प्रोडक्ट है जिसे गवर्नमेंट द्वारा 2000 में GI सर्टिफिकेशन दिया गया था। इसे हेरिटेज ड्रिंक स्टेटस भी दिया गया। तो इस तरह कहा जा सकता है कि अल्कोहल इंडियन कल्चर एंड ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स का हमेशा से एक इनएलिनेबल यानी अभिन्न अंग रहा है। अभी तो बात हुई इंडिया में शराब या लिकर के इतिहास की, उसके उद्गम और फैलाव की, पर इतना पुराना रिश्ता होने के बाद भी लिकर को कन्वेंशनल इंडियन सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि कोई चीज़ लंबे समय से चली आ रही हो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सही हो या सोसाइटी में उसको लेके एक्सेप्टेंस आ जाए। इसलिए हमेशा से शराब पीने वाले को समाज में हिकारत की नज़रों से ही देखा जाता रहा है। हालांकि ये तो रही इंडिया की बात, हमारे देश की ही तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में लिकर के रूप में अनेक रीजनल ड्रिंक्स लंबे समय से कंज्यूम किए गए हैं। लेकिन इस पूरे कंजम्पशन पैटर्न पे वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 इवेंट्स ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला। पहला है कॉलोनियलिज्म और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। आइए समझते हैं कैसे अगले सेक्शन में। दोस्तों, जब ब्रिटिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करा, तो इसी के साथ वहां के रीजनल कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ पे उनके कल्चर की छाप पड़ना शुरू हो गई। इन सभी यूरोपियन कंट्रीज में लिकर का काफी चलन था। सोशल गैदरिंग्स और मीटिंग में एक लुब्रिकेंट की तरह या दिल बहलाने को भी इसे पिया जाता था। इसे न केवल मर्द पिया करते थे बल्कि औरतें भी इसका लुत्फ उठाती थीं। अगर हम मेडिवल यूरोपियन एज की पेंटिंग्स जैसे लियोनार्डो दा विंची की लास्ट सपर या पोलो वेरोनीस की द वेडिंग एट द काना पर ही नजर डालें, तो हम ही पाएंगे कि वेस्टर्न सोसाइटीज के कल्चर में ये अक्रॉस जेंडर सबके साथ बैठकर शराब कंज्यूम करना एक कॉमन सोशल प्रैक्टिस थी। दूसरा, यदि आप गौर से देखें तो ये सभी कंट्रीज ठंडे क्लाइमेट वाली हैं, जहां खुद को गर्म रखने के लिए जरूरत के लिहाज से भी लिकर या रम पीना आम था। तो जब ये इंपीरियलिस्ट इंडिया आए तो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी अलग किस्म की विदेशी शराब भी लाए, जैसे विस्की, स्कॉच, वोडका एक्सेट्रा। क्योंकि उस समय कॉलोनियल देशों के समाज विदेशियों द्वारा परतंत्र बना लिए जाने की वजह से हीन भावना के शिकार थे। बहुत से रईसों, नवाबों और राजाओं ने हमारे देश के इन्हीं तबकों की तरह व्हाइटिस्ट सुप्रीमेसी की अपनी मानसिकता के चलते इनकी देखा देखी में एक कल्चर अपनाना शुरू कर दिया। फिर भी इसमें असल बदलाव ग्लोबलाइजेशन के बाद आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई देशों ने अपने इकोनॉमी का दरवाजा बाहरी दुनिया के लिए खोल दिया। यदि अपने देश की बात करें तो यूं तो इंडिया में LPG रिफॉर्म्स कुछ देर से आए, लेकिन विदेशी MNCs के इंडिया आने से न केवल भारत के लोगों की डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ी, बल्कि बाहरी दुनिया से बढ़ते इंटरकनेक्शन से कल्चरल चेंजेस भी दिखने लगे। कुछ इसी तरह का पैटर्न दुनिया के बाकी देशों में भी दिखा, जहां वेस्टर्न कल्चर के डोमेस्टिक इम्पैक्ट पे कोई चेक्स या बैलेंस नहीं लगाए गए। इस पैटर्न के तहत बढ़ते पब कल्चर, कॉरपोरेट पार्टीज और लिकर के कंजम्पशन को लेकर एक खुलापन और एक्सेप्टेंस आ गया। वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट आज एशिया और खासकर साउथ एशियन कंट्रीज के सिनेमा और मीडिया सेगमेंट में देखा जा सकता है। यदि इंडिया की बात की जाए तो हालांकि ये कल्चर अब भी मेट्रो सिटीज और बिग टाउन्स तक ही सीमित है और छोटे शहरों में अभी भी लिकर कंजम्पशन एक ग्रे एरिया है, जिसे लेकर अभी भी उतना खुलापन नहीं आया है।
लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे वक्त के साथ लोगों के बीच अल्कोहल कंज्यूम करने का शौक बढ़ता गया और इसे विद टाइम हायर सोशल स्टेटस और फाइनाइट डेलिकेसी से जोड़ा जाने लगा, वैसे वैसे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी इसको लेके एक्सेप्टेंस बढ़नी चालू हुई। और कुछ इन्हीं कारणों से वेस्टर्न कल्चर के इम्पैक्ट के चलते इंडिया और दूसरे देशों में लेकर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो होती चली गई। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑल अल्कोहल और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ लिकर मार्केट है। ताजुब की बात है ये सेक्टर में ये ग्रोथ एंड डिमांड तब है जब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिकर के एडवर्टीजमेंट करने तक पे पाबंदी है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में लिकर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स के लिए बड़े सख्त रेगुलेशंस हैं। इंडिया में भी इसे कभी म्यूजिक सीडीज के तौर पे तो कभी इसे सोडा के नाम से सरोगेट एडवर्टीजमेंट बना के प्रमोट किया जाता है। फिर भी इसकी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ एंड डिमांड कैसे है, इसका कारण जानने से पहले और इस ओवर बूमिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ और उसके कारण समझने से पहले जरूरी है कि हम सिन स्टॉक के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा जान लें, ताकि आपको लिकर इंडस्ट्री के ग्रोथ की इस कहानी में छुपा एक कॉन्ट्रडिक्शन क्लियरली दिखाई दे सके। वाई स्टॉक या सिन स्टॉक, ये टर्म उन पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स के लिए यूज किया जाता है जो ऐसे कंपनीज से एसोसिएटेड हैं जिन्हें मोरली या एथिकली करेक्ट नहीं समझा जाता, जैसे लिकर, फॉसिल फ्यूल्स, वेपन्स, टोबैको, गैम्बलिंग साइट्स एक्सेट्रा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्रॉफिट मेकिंग पैटर्न्स या फील्ड ऑफ वर्क कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिन्हें हर व्यक्ति या हर पर्टिकुलर कल्चर अपने सेट ऑफ मोरल्स के बेसिस पर गलत या सही जज कर सकता है। पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के साथ कोई ऐसी संज्ञा जुड़ी हुई है तो फिर इनके स्टॉक्स की डिमांड कम होनी चाहिए ना। पर रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है। स्टॉक मार्केट्स में लिकर एसोसिएटेड डिस्टिलरीज एंड बेवरेजेस कंपनीज के स्टॉक्स न केवल डिमांड में है बल्कि सारी दुनिया की तरह ही इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में भी सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडिसेस के बेंचमार्क को जनरली आउट परफॉर्म करते हैं। मार्च 2020 में आई इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी कि ICRIER की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट, जिसका एस्टिमेटेड मार्केट साइज 2020 में $52.5 बिलियन था और उसके 2023 तक 6.8% की CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है। यानी वर्ल्ड में लिकर मार्केट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन से लगभग 2.5 टाइम्स ज्यादा। पर ऐसा क्यों है और कैसे है? अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट रीजन है डिमांड ड्रिवन ग्रोथ। अगर हम लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो लगभग 1% विमेन जो 15 या उससे अधिक उम्र की हैं वो अल्कोहल का सेवन करती हैं। वहीं देश के 19% मेन इन द सेम एज ग्रुप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इंडिया टुडे की 3rd जून 2020 को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में ज्यादा डिमांड के चलते ही लिकर की शॉर्टेज तक हो गई है और यही ट्रेंड यूपी, राजस्थान और पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। अब जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है कि उसका बिजनेस ज्यादा होगा। ज्यादा बिजनेस मतलब ज्यादा प्रॉफिट एंड ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। इस पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्टेशन का सीधा असर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पे पड़ता है और वो इसमें ज्यादा प्रॉफिट की लालसा में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा कारण है इंडिया में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। हालांकि कोविड और लॉकडाउन की वजह से इस ग्रोथ में कमी आई है, पर अगर हम पिछले 10 सालों के ट्रेंड को देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2010-11 में ₹62,170 से बढ़कर 2019-20 में ₹94,954 हो गई है, यानी लगभग 50% की बढ़ोतरी। इस बढ़ते लिविंग स्टैंडर्ड से भारत के एक सेक्शन में लग्जरी गुड्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। अब यंग सेल्फ अर्निंग जनरेशन के बीच इंपोर्टेड लिकर और कॉस्टली इंडियन लिकर का भी चलन तेजी से बढ़ा है। दोस्तों तीसरा कारण है स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टैक्स इंसेंटिव्स। दोस्तों इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में अल्कोहल को GST से बाहर रखा गया है। इसके लिए एक अलग टैक्सेशन सिस्टम और लिकर पॉलिसी है। कोविड के दौरान और उसके बाद डिमांड को बढ़ाने एंड नेट रिपोर्टेड टैक्स कलेक्शन में इजाफा करने के लिए इंडिया के बड़े अनपॉपुलर स्टेट्स जैसे यूपी, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश के द्वारा टैक्सेस में भारी कटौती की गई, जिससे शराब के कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और इससे नेट डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों इन सब के अलावा जैसे हमने सिन स्टॉक्स के एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि इसमें लिकर के साथ साथ टोबैको, सिगरेट एंड गैम्बलिंग वेबसाइट्स भी आते हैं, पर इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करने से लिकर को प्रेफर करते हैं। इसका मुख्य कारण है परसेप्शन।
टोबैको या सिगरेट को सीधे हेल्थ इश्यूज से जोड़ा जाता है। गवर्नमेंट की नीतियां उसे लेकर काफी सख्त है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का रिस्क परसेप्शन भी ज्यादा है। गैम्बलिंग साइट्स में भी अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर नहीं है, साथ साथ इसकी लीगैलिटी भी एक ग्रे एरिया है जो ठीक तरह से डिफाइन नहीं है। इसीलिए स्मॉल एंड मीडियम कैपिटल इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड वेपन मेकिंग कंपनीज में भी बहुत से लोग ज्यादा ग्रोथ होने के बाद भी एथिकल ग्रुप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसे में लिकर स्टॉक्स उन्हें मिडिल ग्राउंड की तरह दिखता है जो ग्रोथ भी दे रहा है और शायद उनकी नजर में मोरली उतना रॉन्ग भी नहीं है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बॉन्ड्स, शेयर्स, इक्विटी ही आते हैं, पर शराब और इससे जुड़े क्रेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब इन्वेस्टर्स इसकी डिस्टिलरीज, यहां तक कि बॉटल्स को भी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। इवन बड़े बड़े फंड मैनेजर्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विस्की और वाइन की रेयर फिजिकल बॉटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनमें स्वीडिश फंड मैनेजर सेंटेट एसेट मैनेजमेंट एबी का सिंगल मॉल्ट फंड और हांगकांग का प्लैटिनम विस्की इन्वेस्टमेंट फंड सबसे आगे हैं। चूंकि विस्की एंड वाइन दोनों खास तरह की लिकर हैं, जिसके लिए इसे पीने या कलेक्ट करने वालों की ऐसी दीवानगी है जिसका डिमांड एंड प्राइस उसके एक खास साल में या एक खास प्रोसेस से बने होने या स्टोर होने से बढ़ती जाती है, और विस्की एंड वाइन की वैल्यू एजिंग के साथ यानी गुजरते साल के साथ बढ़ती जाती है। तो आसान शब्दों में कहें तो जिस तरह कुछ लोग बड़े नामी ग्रामी आर्टिस्ट की पेंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही अब लिकर के साथ भी हो रहा है। तो सब लिकर सेक्टर के ग्रोथ के कारणों से आगे बढ़ के अगर हम एक और कॉन्ट्रडिक्शन पर नजर डालें तो हम देख पाएंगे कि WHO की मई 2022 में पब्लिश्ड फैक्ट शीट ऑन अल्कोहल के मुताबिक हर साल वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन डेथ्स अल्कोहल के हार्मफुल यूज से हो जाती हैं। एक तरफ न केवल भारत सरकार अपितु WHO एंड UN जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 2030 तक अल्कोहल कंजम्पशन को बाय वॉल्यूम 10% तक रिड्यूस करने की बात करते हैं, यहां तक कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे भी कई दार्शनिक हुए जिन्होंने शराब और इससे जुड़े नेगेटिव पॉइंट्स को समय समय पर भांप लिया था। फिर चाहे वो जैनिज्म के फाउंडर महावीर हों या सनातन परंपरा के स्टालवर्ट आदि शंकराचार्य जी हों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शराब के विरोधी थे। और दूसरी तरफ हम इसके उलट इस इंडस्ट्री में डिमांड पुश ग्रोथ देख रहे हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट्स भी एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू के लिए कहीं ना कहीं इस ग्रोथ में अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, अल्कोहल अब्यूज से होने वाले इल इफेक्ट्स को हमने अपने पिछले कई वीडियोस में देखा है कि कैसे ये सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न है जो कि डोमेस्टिक अब्यूज, क्राइम, वर्सनिंग इकोनॉमिक पोजीशन, मोरल डिग्रेडेशन, मेंटल इलनेस और हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा देता है। इनकी डिटेल्स आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर अगर हम इससे आगे बढ़ के देखें तो हम पाएंगे कि इसके अलावा लिकर इंडस्ट्री के एज अ होल काफी सीरियस एनवायरमेंटल रिपरकशंस भी हैं। इन बेवरेजेस प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट वाटर है, साथ ही साथ लिकर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जैसे बार्ले, कॉर्न, पोटैटो, ग्रेप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसीलिए लिकर प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग एक एक्सट्रीमली वाटर एंड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अब वर्ल्ड वाइड वाटर स्कार्सिटी एंड पॉल्यूशन से तो आप सभी वाकिफ हैं, इसीलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो शायद हमारी इंटरजेनरेशनल सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। वैसे तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को बढ़ावा दिया जाए तो इस कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम किया जा सकता है, पर फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस सेक्टर के ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों इन्वेस्टर्स इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए रिटर्न्स एंड प्रॉफिट्स सेकेंडरी होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके किए हुए निवेश से समाज में कुछ बदलाव भी आए। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स या एथिकली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यूं तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टर को प्रॉफिट लॉस की बैलेंस शीट और स्टॉक के परफॉर्मेंस के एनालिसिस से आगे बढ़ के कंपनी के बैकग्राउंड और गोल्स के बारे में डीप रिसर्च करनी पड़ती है। पर फिर भी हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे हमने सिनगुड्स के बारे में देखा कि ये आपके अपने मोरल कंपास या परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे सही मानते हैं और किसे गलत। एंड देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट बट ओनली डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। फिर भी स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है, वरना इस प्रॉफिट लॉस के शॉर्ट टर्म गेम में हम सस्टेनेबिलिटी और सोशल वेलबींग के लॉन्ग टर्म गोल से चूक जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिकर इंडस्ट्री की ग्रोथ और उसकी इन्वेस्टर्स के बीच बढ़ती पॉपुलैरिटी को
ब्रीफली एनालाइज किया। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया कि इस वीडियो की यूपीएससी सीएसई मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, लिकर बैन इज प्रोहिबिशन द बेस्ट सॉल्यूशन टू फाइट द मेनिक ऑफ अल्कोहलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।